सैकड़ों आदमी पीछे से ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे और हुड आउट कर रहे थे, और उसी में एक दलित महिला नंगे समाज घुमाई जा रही थी। ये हम समझते हैं बिहार के लिए कलंक है, और बिहार में सत्ता में रह रहे लोगों के लिए एकदम कलंक की बात है। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात में सच्चाई है तो तावक्ते उनको रिजाइन कर देना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लेकिन ये लोग एक जुमला कहते हैं, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं, एक महिला को निवस्त्र पहलाया घुमाया गया, अगर 50 महिला को निवस्त्र घुमाने की बात आएगी और उस समय कहिएगा कि आप काम करेंगे, इसका मतलब है कि आपकी व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, कानून का इकबाल ख़त्म हो गया है, नीतीश जी का औरा समाप्त हो गया है, फ्री फॉर ऑल हो गया है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है। नीतीश जी के गृह जिला नालंदा में जिंदा जलाया गया महिला को। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेटियों के साथ महिलाओं के साथ ऐसा आप करते हैं। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, और बिहिया में इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर के निवस्त्र एक महिला को घुमाया गया है, एक कलंक करने वाली बात है, इसमें शर्म आनी चाहिए। और जो अगर कहता है कि कानून अपना काम करेगा, उससे बेशर्मी कोई नहीं है। हम समझते हैं कि इसका संज्ञान लेकर के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा इनको तो व्यवस्था करना ही चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। इसीलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जितना जल्द हो आप लागू कीजिए बिहार में, और नहीं तो सैकड़ों महिलाएं इस प्रकार से निवस्त घुमाई जाएगी, सैकड़ों महिलाएं जलाई जाएगी, सैकड़ों बच्चियों का शील हरण होते रहेगा, चाहे अल्पवास गृह में हो चाहे बाल कल्याण गृह में हो, हर तरह के हजारों हजार लोगों के साथ घटनाएं घट रही है, ये अनर्थ हो गया है। एक द्रौपदी का चीरहरण का कोशिश हुआ था तो महाभारत हुआ था, आज हजारों बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ चीरहरण हो जाए, नंगे घुमाया जा रहा है, एक क्लाइमेक्स है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। वैसी परिस्थिति में ये बेशर्मी लोग हैं, नहीं रिजाइन करेंगे। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी से हमारा अनुरोध है कि आप में भी अगर थोड़ी नैतिकता है तो बिहार के बच्चियों को बचाइए, बिहार के महिलाओं को बचाइए, बिहार के दलितों को बचाइए, और यहाँ राष्ट्रपति शासन कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमने अनुरोध किया है कि आप यहाँ का गवर्नर रह चुके हैं और आपके साथ भी कुछ घटनाएं हुई है जिसकी चर्चा होती रही है, आप बिहार को बचाइए, थोड़ा डायरेक्शन दीजिए केंद्र सरकार को, ताकि बिना समय गंवाए बिहार में राष्ट्रपति शासन हो।